फिल्लौर के मेन बाजार में कल रात चोरों ने एक रेडीमेड की दुकान की छत तोड़कर उसमें से हजारों रुपए चुरा लिए। चोरी का पता उस वक्त लगा जब सुबह दुकान का मालिक हरि कृष्ण दुकान के अंदर गया तथा अंदर सारा सामान बिखरा हुआ था, जिसके बाद सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस ने चोरी वाली जगह का जायजा लिया। दुकान के मालिक ने बताया कि उसकी दुकान पर 60-70 हजार रुपए कैश व कपड़े व बूट चोरी हो गए हैं। मेरा ना लव गारमेंट दुकान साड़ी ना दुकान है। असि अपनी सवेरे दुकान से आए हैं, रात दुकान बंद करके सवेरे आके देखा तो सारा समान खिल रहा पे, सारा समान खिल रहा पे जी साडा। असी भी आके देखा सारा कैश भी आ नहीं सी, कल असी बैंक चो 40 हजार रुपये कढ़ा के लाए थे, बाकी साढ़े और परसनल पैसे पे दुकान से वो भी लै गया, सारा समान भी लै गया, सारे कपड़े बूट अपना इतने छड़ गए साढ़ा लै गया नंबर समान। किन्ने का नुकसान होया? नुकसान 40-50 हजार तक कैश है, 60-65 हजार जी, बाकी 40-25-30 हजार ने कपड़े। दुकान के अंदर चोरी हो गई है, जिद गले काफ़ी पैसे दे गए, करीब 1 लाख रुपया दस रहा, तो कुछ कपड़े जोड़े चोरी हो गए। मौका देखा आले दुआले जो कैमरे लगे आना देखते हैं शायद किसी की। फिलौर से नरेश शर्मा की रिपोर्ट।